हेलो दोस्तों, आज मेरे पास ये पैनासोनिक का 24 इंच का LED टीवी आया है। इसमें प्रॉब्लम यह है, रेड लाइट ऑन है पर सेट ऑन नहीं हो रहा है। इसमें जो फॉल्ट निकला है, यहाँ पर जो ये छोटी वाली कॉइल है 1.2 वोल्ट वाली, यहाँ का जो मॉस्फेट है वो जला हुआ था। तो मैंने इसमें सिंपल एक 1.8 वाला बक कन्वर्टर लगा कर 5 वोल्ट यहाँ से लेकर ग्राउंड कर दिया और यहाँ से इसको 1.2 वोल्ट कॉइल के आउटपुट पर दे दिया और हमारा सेट ऑन हो गया। मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये मैंने पावर लगा के ऑन कर दिया, ये हमारा रेड लाइट आ गया है और ये हमारा सेट ऑन हो गया। बैक लाइट भी आ गई है और स्क्रीन भी आप देख सकते हैं। एक सेकंड, ये इसका वो LVDS केबल निकला हुआ है, मैं आपको लगा के बताता हूँ। दोबारा से मैं सेट ऑन कराऊँ, ये ग्रीन लाइट हो गया है, ये हमारा पिक्चर बन के आ गया है। ये पैनासोनिक का 24 इंच का सेट है, देख सकते हैं आप। IR वगैरह सब वर्किंग है और इसका वोल्टेज का आपको मैं डाटा बता देता हूँ। ये जो कॉइल है ये 5 वोल्ट का है, ये 1.2 वोल्ट का है, देख पा रहे हो आप। छोटा वाला जो कॉइल है ये 1.2 वोल्ट का है, यहाँ पे हमको 1.8 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पर हमको 3.3 वोल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब हमारा जो सेट बिल्कुल ओके हो चुका है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।